नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बजट आया और बजट का मैं स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा बजट के बारे में आइडिया रहता नहीं है। बजट का मोजर मोटा मोटा जैसे आम भारतीय दिखते हैं कि इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली, वो मैं भी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी जेब से जुड़ा हुआ मामला है। फिर मैं ये भी देख लेता हूँ कि मध्यम वर्गीय परिवार जो आस पास लोग रहते हैं उनके लिए कितना हित है, कितना अहित है, ये मेन चीज़ आ जाती हैं। फिर मैं ये देख लेता हूँ कि शेयर मार्केट गिरा या नहीं गिरा, आज बाजार ने इस बार बजट को कैसा लिया। लेकिन बजट की बारीकी मुझे आपको समझानी थी, तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी मैगजीन में काम करते हैं, बिजनेस के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं जिनके पास बिजनेस की बहुत सारी जानकारी है। भी अपने आप में कला है, जो कॉरपोरेट हाउस देखते हैं, जो बिजनेस हाउस देखते हैं, ये एक कला है। तो चलते हैं सीधे नागपुर में राजीव रंजन जी के पास, जो खुद भी बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुके हैं। उनसे मोटा मोटा समझते हैं कि बजट का खेल क्या है। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने पहली कहा मुझे बजट बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, वो टिपिकल चीज़ें होती हैं ना, इसका इतना इतना सूचकांक कितना था, तो मेरे को थोड़ा बहुत मैं शेयर मार्केट में काम कर लेता हूँ, लेकिन वो भी कभी फायदे में कभी घाटे में। मोटा मोटा आप समझाइए कि ये बजट कैसा था। विपक्ष को हमेशा बुराई करनी है, सत्ता को तारीफ करनी है, लेकिन आपके हिसाब से ये बजट कैसा था और क्या आम आदमी को, गांव में खेत में काम कर रहे आदमी को, मजदूर को, खास तौर से जिनको 80 करोड़ को 2 वक्त का राशन दिया जा रहा है, उनके लिए ये बजट कैसा था? देखिए, ओवरऑल देखें तो ये बजट जो है ये एक पश्चाताप का बजट है। सरकार ने जो पुराने पाप किए थे उन पापों को धोने का पूरा प्रयास किया है इस बजट के द्वारा। अब मैं जो ये बोल रहा हूँ आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा जो है, जो मैं देखता हूँ, ये बजट जो है ये सरकार को स्थिर रखने का भी एक प्रयास है। यदि आप देखें तो 42,000 करोड़ रुपए जो हैं वो 2 स्टेट्स को, यानी बिहार और आंध्र प्रदेश को, मोटा मोटी दिए गए हैं। 26,000 करोड़ रुपए रोड के लिए दिया गया है बिहार को, और 15,000 करोड़ आंध्रा के जो कोस्टल रीजन है उनके डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। और उसके अलावा तो जो पैसे आएंगे टूरिज्म और इन सब के लिए जो बोला है गया को बिल्ड करेंगे और ये सब, वो अलग से। तो यानी ये दोनों स्टेट्स को काफ़ी फंड गया है, मतलब आवंटित किया गया है इस बजट में, और ये प्रयास है कि कैसे भी सरकार स्थिर रहे। पर उससे पहले जो मैंने आपको कहा कि ये एक पश्चाताप का बजट है, उसका कारण क्या है, उसका कारण समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले विगत 10 वर्षों में इस सरकार ने क्या किया। इस सरकार ने जो है वो MSME सेक्टर, जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो हैं, ठीक है, इनका तो पूरी तरीके से जो लेबर आर्बिट्राज होता था और टैक्स आर्बिट्राज होता था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यानी लेबर और टैक्स में जो इनको बेनिफिट मिलता था, जो कच्चे में ये अपने लेबरर्स को पैसा देते थे, जो माल कच्चे में खरीदा जाता था, बेचा जाता था, उसी पे ये, हम सबको मानना पड़ेगा कि उसी पे ये पूरे MSME सेक्टर जो है वो डिपेंडेंट थे। MSME भी नहीं बोलना चाहिए, स्मॉल स्केल, जो 5 लोग 10 लोग 15 लोग को जो है एम्प्लॉय करते थे, और यही इंडिया में 80% के आसपास लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था। 100 से ज्यादा लोगों को रखने वाले जो कंपनीज हैं वही इंडिया में 70 से 80% रोजगार के अवसर प्रोवाइड करते थे GST आने के पहले और डीमोनेटाइजेशन आने के पहले। डीमोनेटाइजेशन और GST से इन्होंने कमर तोड़ दी सारे छोटे छोटे उद्योगपतियों की। पहली चीज GST आ गया, तो जो इनको टैक्स आर्बिट्राज भी मिलता था, जो टैक्स का ये लोग ऊंच नीच, गलत होता है, मैं मानता हूँ वो गलत था, पर जो इनको एक टैक्स का बेनिफिट था वो टैक्स का बेनिफिट चला गया। लेबरर्स को कैश में पैसे मिलते थे, थोड़े कम में भी काम करने के लिए वो तैयार रहते थे, ठीक है, तो वो भी फायदा चला गया क्योंकि सारी चीजें जो है आपने फॉर्मलाइज्ड कर दी। इस बजट के द्वारा जो इन्होंने ये बात कही है कि हम MSME सेक्टर को जो है एक तरीके से हम स्टेबल करने के लिए और उनको एक मदद प्रोवाइड करेंगे, ये हाईलाइट कर रहे हैं उसको कि ये हमने काम किया है, क्योंकि ये हम काम करेंगे क्योंकि हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। और यहीं पे नहीं थमे, उन्होंने ये कहा कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको, लोगों को, यूथ जो जॉब मार्केट में आ रहे हैं, नौजवान जो रोजगार ढूंढने आ रहे हैं, ऐसे नौजवानों को हर महीने 5,000 रुपए कैश देके उनको इंटर्नशिप पे रखना पड़ेगा। तो आप देखिए कि कैसा कॉन्फ्लिक्टिंग ये स्टेटमेंट है। एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी
अभी कहा दो हफ्ते पहले कि इंडिया में 59 करोड़ से अब 63 करोड़ पहुंच गया एम्प्लॉयमेंट, यानी 4.5 करोड़ जो है नौजवानों को एक साल में रोजगार दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ 14 दिन बाद बजट में सरकार आती है, बजट लाती है और उसमें यह कहती है कि हम एम्प्लॉयमेंट की दशा और दिशा को सुधारने जा रहे हैं, हम 5,000 रुपए देंगे। यानी कहीं ना कहीं सरकार ये मान रही है कि जो ये रोजगार के डाटा प्रोवाइड करते हैं, ये जो रोजगार के फिगर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी हो रही है। क्योंकि एक तरफ आरबीआई आके बोल रहा है कि रोजगार बढ़ गए, दूसरी तरफ सरकार बोल रही है कि रोजगार जो है बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें असफल हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज हमको जो है वो सपोर्ट करें, हम ईपीएफओ में 15,000 रुपए डालेंगे और आप हमें मदद करें। तो ये जो इन्होंने अभी तक बड़ी कंपनीज को जो बड़ा बनाया है और छोटे लोगों को जो मार दिया था, जो एम्प्लॉयमेंट की दशा और दिशा नहीं सुधर रही थी उसको सुधारने का प्रयास किया है। साथ ही इन्होंने एक इशारा किया है कि अभी तक जो भी हमने झूठ बोले थे, ठीक है, या जो भी डाटा के साथ में छेड़छाड़ किया था, वो अब हम उसका पश्चाताप कर रहे हैं। तो जो इलेक्शन का रिजल्ट का आप पूरी तरीके से प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन इस बजट में देख सकते हैं। इस बजट में कोई भारी भरकम बातें नहीं की गई कि 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे और इंडिया इंटरनेशनल सुपर पावर हो जाएगा और फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है थर्ड नंबर पे हो जाएंगे और ये हो जाएंगे वो जो बड़ी बड़ी बातें होती थी, वो बड़ी बातें ना करके अभी जमीन पे उतर गए, धरातल पे उतर गए हैं और इनको समझ में आ रहा है कि हमसे क्या गलतियां हुई थी, उन गलतियों को सुधारने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये पहला बजट है, इसमें प्रयास किया है इन्होंने कि रोजगार हम बढ़ाएं और नौजवान जो कि सबसे ज्यादा आक्रोशित है, आंदोलित है, सबसे ज्यादा छिड़े हुए इस सरकार से, उनको किसी भी तरीके से पटाने की, किसी भी तरीके से उनको मनाने की एक कोशिश जो है वो इस बजट के द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जी संजय जी, विपक्ष कह रहा है कि ये जो है सरकार कुर्सी बचाने का बजट है। ये इस तरह का राहुल और अखिलेश की भाषा यही है कि कुर्सी बचाने का बजट है, मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश मैनेज रहे इसका बजट है। क्या बाकी राज्य नाराज नहीं होंगे और मैसेज नहीं खराब जाएगा कि आपको दो राज्य, चूंकि दो सहयोगी हैं जिनकी बैसाखी पे आप कुर्सी सत्ता चला रहे हैं, इसलिए आपने उन दोनों को जरूर से ज्यादा बजट दे दिया, बाकी लोग नाराज नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, इसलिए सदन में देखिए अप्रोर भी हुआ था, बहुत हल्ला बुल्ला भी हुआ था बीच में, मतलब उस टाइम में साउंड कम कर दिया गया था, वॉल्यूम कम कर दिया गया था, इसलिए लोगों को पता नहीं चला जो लाइव बजट देख रहे थे। बट बाकी स्टेट से आए हुए जो है एमपीज, उन्होंने हल्ला मचा। महाराष्ट्र को क्या फायदा है, ये हमारे महाराष्ट्र को तो कुछ मिला ही नहीं, महाराष्ट्र में 4 महीने बाद इलेक्शन है, तो आप क्या ये हारने के बाद अगले बजट में महाराष्ट्र को दोगे जो भी देना है? तो ये समझिए, महाराष्ट्र को क्यों नहीं दिया आपके? मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र को बहुत ज्यादा सौगात देंगे, चुनाव है और महाराष्ट्र चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्थिक पाइपलाइन माना जाता है, सरकार चलाने के लिए पैसा बहुत सारा महाराष्ट्र से आता है, नंबर एक से भी, नंबर दो से भी, नंबर दो में कहना नहीं चाहिए लेकिन आता है तो आता ही है, वो तो हकीकत है ही है। तो ये महाराष्ट्र के इन्होंने ऐसी उपेक्षा क्यों कर दी महाराष्ट्र को? मुझे लग रहा था महाराष्ट्र भी कम से कम बिहार की तरह और आंध्रा की तरह बम बम होगा, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा मुझे, क्यों ऐसा किया गया होगा? नहीं, महाराष्ट्र को नहीं दिया केंद्र सरकार ने, ये तो वही बता पाएंगे, पर जो मुझे समझ में आ रहा है, जो राज्य सरकार ने भी बजट पेश किया थोड़े दिनों पहले, अजीत दादा ने जो हर स्टेट में जैसे औरतों को 1,000 रुपए 1,500 रुपए इस तरीके से दिए जा रहे हैं, वैसे पहली बार किसी राज्य में हुआ है कि मर्दों के लिए भी जो है, पुरुषों के लिए भी जो है, वो लाडला भाऊ ना पता नहीं कुछ तो भी इस टाइप से कुछ योजना निकाली है जिसमें जो नौजवान हैं और जो लड़के हैं उनके लिए कैश की, जहां तक मेरे को जानकारी मिली है, मैं तो जब बजट प्रस्तुत हुआ तब मैं महाराष्ट्र में नहीं था, बाहर था, तो मैं पेपर रीड नहीं कर पाया उस टाइम पर, मुझे दोस्तों ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़कों के लिए कैश का प्रबंध किया गया है कि भाई उनको मिलेगा। जैसे आपने मध्य प्रदेश और बाकी जगहों पे लाडली बहन और ये सब देखा है, तो अब लाडला भाऊ और इस टाइप के कुछ जो है प्रोविजन इन्होंने किए हैं, तो हो सकता है केंद्र सरकार को ये लगा हो कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कर ही दिया है, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों, इन लोगों ने प्रोविजंस बनाई हैं, तो हो सकता है उसके लिए नहीं किया हो। पर देखिए एक चीज जो मुझे बड़ी हंसी आ रही है,
निर्मला सीतारमन ने शुरुआत ही की बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या क्या दिया गया है उससे, तो इससे यह पता चलता कि कितना भय है, भय के साय में जी रहे हैं लोग कि कब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो ये समर्थन वापस लेने। और आप देखिए वहीं से शुरू किया गया, पर जिस तरीके से बजट में बिहार को सौगात दी गई है तो मुझे तो लग रहा कि चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा नीतीश से डरे हुए हैं कॉफ में। 26,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार को हाईवे, मतलब हाईवे मिनिस्ट्री जो है रोड बनाने के लिए वहां खर्च करने वाली है। आंध्र को 15,000 करोड़ मिले। तो जो हम इतने दिनों से बोल रहे थे कि भाई नायडू जी आके धन कुबेर टाइप मतलब पैसे डिमांड करना शुरू कर देंगे, ये तो मेरे को उल्टा ही दिख रहा है। मेरे को दिख रहा है कि नीतीश कुमार यहाँ पैसे की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन के पहले। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, या हो सकता है ये जल्दी इलेक्शन करा दें, कोई भरोसा नहीं है, नवंबर दिसंबर में करा दें। बट आप ये देखिए, एक तरफ पप्पू यादव को साधने की कोशिश की गई है, पूर्णिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इतने सालों से रुका प्रोजेक्ट था उसके लिए बोला गया कि हाँ भाई पटना टू पूर्णिया जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है हाईवे का, रेल का, ये शुरू किया जाएगा। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट को भी जो है साधने का प्रयास किया जा रहा है, ना केवल आप समझिए नीतीश कुमार को सिर्फ साधने का प्रयास किया जा रहा हो। तो आप ये समझिए कि ये बजट जो है, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं अखिलेश यादव भाई, सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है आफ्टर महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश को क्या दिया इन्होंने? उत्तर प्रदेश से मोदी जी आते हैं, उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी आते हैं, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जीत के आते हैं, तो तीनों तो हैवीवेट जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। और तीनों हैवीवेट के, तीन तीन हैवीवेट के रहते हुए भी यदि निर्मला ताई ने कुछ उत्तर प्रदेश के लिए सौगात नहीं दिया है, कुछ प्रयोजन नहीं किया है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि सही में ये सरकार बचाने का आयोजन और प्रयोजन है। इसलिए आंध्र और बिहार जो उसमें टॉप पोजीशन पाए। क्या लग रहा है आपको कि ये जो चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उसके बाद झारखंड में, इन तीनों राज्यों में जो संकेत मिल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली नजर आ रही है? अगर यही रहा तो फिर आपको क्या लग रहा है कि भविष्य क्या होगा? क्या पार्टी के अंदर बगावत की बात हो सकती है? क्या मोदी जी के चेहरे को बदलने की बात हो सकती है? क्योंकि आज जो मैंने देखा मोदी जी की पर्सनालिटी, बहुत चेहरा भी थोड़ा बुझा बुझा सा था, जो हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है वो कॉन्फिडेंस नहीं था, चेहरे से हताशा नजर आ रही थी। क्या कुछ लगता है कि अगर ये हार गई है राज तो बड़ा बड़ी बात हो जाएगी? देखिए हारने पे जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में आपके कहा था कि इनके लिए और एक पोस्ट 6 साल के लिए खुल जाती है, तो ये 80-81 साल की मतलब बरस की उम्र तक तो आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ना कोई पोस्ट पे रहेंगे, ठीक है? तो प्रेसिडेंट बनने से तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता है अंटिल, और पार्टी के अंदर से भी सपोर्ट मिलेगा, पार्टी के बाहर के भी जो लोग चाहते हैं कि ये ना रहे उनसे भी सपोर्ट मिलेगा, तो हर तरफ से सपोर्ट तो मिलेगा, आरएसएस भी करेगा पूरा सपोर्ट, ठीक है? तो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर के भी जो संगठन है वो सपोर्ट करेंगे। आप सही बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, और इस कॉन्फिडेंस हिले हुए कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सबूत जो है वो ये है कि बजट में बिहार और आंध्र को जिस तरीके से प्राथमिकता दी गई है, गुजरात को कुछ कोई प्राथमिकता नहीं है, उत्तर प्रदेश को कोई प्राथमिकता नहीं है, ठीक है? फिर आप आज ये इनको जो दूसरे स्टेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं हेविली, दिल्ली के लिए क्या किया? सातों की सातों सीट जो है दिल्ली को जिता के दी गई है, तो दिल्ली के लिए तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है इस पूरे बजट में। राजस्थान के लिए कुछ मेरे को ऐसा बड़ा, मध्य प्रदेश जहाँ 29 out of 29 मिले इनको, मध्य प्रदेश में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाए कुछ बताएं तो समझ में आता है, मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं ऐसा कुछ है। वैसे संजय जी एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, और मेरे मतलब आपके माध्यम से प्यारे 4 PM के दर्शकों को, कि देखिए ये जो बजट का इतना हुआ है, थोड़ा सा मैं जो अभी बताने जा रहा हूं ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात कोई आपको बताएगा नहीं। इंडिया का आप यदि नॉमिनल GDP देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी मार्च 2024 में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसमें 305 लाख करोड़ के आसपास था, 305 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है? और भारत का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट प्रस्तुत किया गया था वो कुछ 42 लाख करोड़ या 44 लाख करोड़ का था। तो अगर आप 305 को 42 या 44 से डिवाइड करेंगे तो 1/7 यानी 16%, यानी भारत की जीडीपी का सिर्फ 16% है इस देश का राष्ट्रीय बजट।
तो आप सोचिए, यदि मतलब 100 में से किसी ने 15-16 रुपए मान लीजिए निकाल भी लिए या कम कर दिए, तो उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 84% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बाहर है। इस देश का जो जीडीपी है ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। और दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि बजट के नाम पे ये जो हायतौबा मचता है, इस हायतौबा का अपनी जैसी इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है। सिर्फ टैक्स के फ्रंट पे बजट जो है वो इंपॉर्टेंट रखता है, परंतु जो साइज है, अच्छा ये भी समझ लीजिए, ये भी बेसिक समझ लीजिए कि जब बोलते हैं बजट का साइज, इसका मतलब क्या होता है कि आप टोटल पैसा कितना खर्च करने वाले हो। तो इस बजट में जो आज प्रस्तुत किया गया है, भारत सरकार 48.2 लाख करोड़ खर्च करने वाला है FY25 में, ठीक है, यानी ये करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो 48.2 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो ये हमारा बजट का साइज है। परंतु हमारा जो रिसिप्ट है, यानी जो सरकार को पैसे मिलेंगे नेट, ठीक है, ग्रॉस मतलब जो पैसे आए और आपने स्टेट गवर्नमेंट को उसमें से कुछ दे दिया, जैसे जीएसटी वीएसटी का आता है, तो जीएसटी और ये सब पोर्शन हटाने के बाद में जो नेट बचेगा वो है 25.2 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। और 36 लाख या कुछ है, मैं फिगर देख के करेक्ट करूंगा, 36 लाख करोड़ या 37 लाख करोड़ के आसपास में ग्रॉस बोरिंग है, ग्रॉस रिसिप्ट है, यानी सरकार की कमाई है। किसके द्वारा? आपके कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, डिविडेंड, जो भी तमाम तरीके के पैसे आ रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू, उन सबको मिला मुलू के, ठीक है। और 4.9% का जो फिस्कल डिफिसिट है, तो उसको भरने के लिए, यानी एक तरफ 48 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, पर कमाई तो आपकी 36 लाख करोड़ ही है, तो आप बाकी ये बचे हुए 12 लाख करोड़ कहां से लेके आ रहे हैं? तो ये आप बोरिंग करके लेके आ रहे हैं। अब जब कभी भी आप बजट पढ़े तो 2-3 चीजें आपको बेसिक देखना जरूरी है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि हमारे देश के बजट में यदि हम बोरिंग को हटा दे, सिर्फ हम कमाई देखे सरकार की, तो सरकार के पास में कमाई करने के बाद में कितना पैसा बचता है डिफेंस में खर्च करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च करने के लिए और सब्सिडी देने के लिए। जैसे इस साल के बजट में 2.05 लाख करोड़ फूड सब्सिडी है, 1.65 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी है, तो यही तो मिला के 3,70,000 करोड़ हो गया। उसके अलावा 11,000 करोड़ कुछ पेट्रोलियम सब्सिडी है, ठीक है, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी, पेट्रोलियम यानी फ्यूल सब्सिडी और फूड सब्सिडी, ये देने में 4.25 लाख करोड़ के आसपास में खर्चा हो जा रहा है। 11 लाख करोड़ के आसपास में आप इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा कर रहे हो, यानी जो पुराना लोन हमने लिया है वो खा पी के जो हमने हजम कर दिया है, उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसमें हम 11-12 लाख करोड़ खर्च करने वाले हैं। और उसके अलावा जो आपका डिफेंस बजट है वो करीबन 6.5 लाख करोड़ के आसपास में है। तो आप यदि 3 ये लाइन आइटम ऐड कर दे, सब्सिडी का, डिफेंस बजट का और इंटरेस्ट पेमेंट का, तो आपको नजर आएगा कि 55-60% जो बजट का अमाउंट है वो तो हम पूरा का पूरा खर्च कर दे रहे हैं सिर्फ यही 3 लाइन आइटम पे। तो हेल्थ, आपका एजुकेशन, आपके तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, R&D के लिए, है ना, तमाम तरीके की जो स्कीम्स हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, किसानों को देने के लिए, तो ग्रॉस बोरिंग इसलिए करना पड़ता है। तो मैंने कैलकुलेशन किया था बहुत पहले, 78% जो इंडिया का गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है उसका 78% जो है सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी पेमेंट और सरकारी कर्मचारियों की, जिसमें डिफेंस भी आता है, इनकी सैलरी और पेंशन में खर्च हो जाता है। सिर्फ 22% पैसे बचते हैं तमाम तरीके की योजनाओं के लिए, तो जो इनकी कमाई है उससे, तो 22% से तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए ये लोग बोरिंग करते हैं। बोरो करके ये लोग जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, बोरो करके जो है ये दूसरे वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं। तो इसलिए इंडिया की कमाई क्यों नहीं ज्यादा है सरकार की, क्योंकि देखिए 8 करोड़ लोगों के आसपास ही सिर्फ इनकम टैक्स लोग फाइल करते हैं। इस 8 करोड़ में भी हार्डली 1.5 से 2.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुछ टैक्स देते हैं, बाकी लोग सिर्फ इनकम टैक्स ऐसी फाइलिंग करते हैं। तो ये तमाम तरीके के दुकान चलाने वाले लोग और ये आज भी कैश में धंधा कर रहे हैं, तो ये लोग टैक्स फाइलिंग करते नहीं है बहुत सारे लोग, इसीलिए डायरेक्ट टैक्स हम लोग का ज्यादा है नहीं।
तो भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है। 30% से कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में घटा के 22% कर दिया गया था 2019 में। आप यदि लास्ट ईयर का बजट देखें तो 19% टोटल इनकम जो भारत सरकार को हुई थी वो डायरेक्ट टैक्स से हुई थी, यानी हमारे इनकम टैक्स से हुई थी। 18% जो हुई थी वो इनडायरेक्ट टैक्स से हुई थी, और 17% जो हमारी कमाई हुई थी भारत सरकार की वो कॉर्पोरेट टैक्स से हुई थी। तो इतने कम लोगों के टैक्स देने के बावजूद भी कंपनी से ज्यादा पेमेंट कर रहा है, कंपनी से ज्यादा पेमेंट सरकार को आ रहा है इंडिविजुअल टैक्स पेयर से। तो कहने का अर्थ है कि आप लोगों को कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर में कॉर्पोरेट को जो रियायत दी जाती है उस पर नजर रखने की जरूरत है। वो कैसे नजर रखेंगे ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। एक होता है एनेक्जर 7, ठीक है, जो बजट में आता है। ये एनेक्जर 7 जो है ये बताता है कि भारत सरकार की बैलेंस शीट में कितना रेवेन्यू फोरगॉन हुआ, यानी भारत सरकार ने कितना रेवेन्यू जो है वो छोड़ दिया कि भाई हमारी कमाई नहीं होगी ऑन द बैक ऑफ सब्सिडीज जो हम कॉर्पोरेट को दे रहे हैं या इंडिविजुअल्स को भी दे रहे हैं 80C के अंदर में। तो लास्ट 2022 का जो फिगर है वो लास्ट बजट में प्रस्तुत किया गया था और वो था 2,36,000 करोड़, 2.36 लाख करोड़ का रेवेन्यू भारत सरकार ने छोड़ा था जस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ टैक्स सब्सिडीज इंसेंटिव जो कॉर्पोरेट्स को दी गई और जो इंडिविजुअल आपके मेरे जैसे लोगों को दी गई। इसके अंदर में मैं ब्रेकअप भी दे देता हूं, 84,500 करोड़ रुपए, 84,395 करोड़ टू बी प्रोसाइज, ये कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट दिए गए जिसके कारण ये जो रेवेन्यू सरकार को आ सकता था वो नहीं आया। यानी इंडियन कॉर्पोरेट्स को 84,000 का बेनिफिट दिया गया, 84,395 करोड़। और पार्टनरशिप फर्म्स जो रहती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है, वो भी एक तरीके से कंपनी है, उनको 8,675 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स सब्सिडी, यानी टैक्स सब्सिडी उनको मिला है। और इंडिविजुअल्स को जो मिला है, मेरे आपके जैसे लोगों को जो हम 80C में भरते हैं, वो था 1.43 लाख करोड़। तो ये कुल मिला के 2.36 लाख करोड़, 2.37 लाख करोड़ होता है। तो हर बजट में एनेक्जर 7 आप लोग जरूर पढ़े, ये आपको कोई नहीं बताएगा। यहीं पे आपको पता चलेगा कि जो कॉर्पोरेट्स को रियायतें दी जाती हैं उसमें भारत सरकार को कितना लॉस हो रहा है, कितना रेवेन्यू फोरगॉन किया जा रहा है। जी संजय जी, एक बात और बताइए, जब बजट जैसे ही आया मार्केट एकदम धड़ाम हो गया था, करीब 1,500 पॉइंट गिर गया था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मार्केट ने काफी रिकवर किया, तो क्या इसको क्या माना जाए कि बाजार को, शेयर बाजार को ये बजट अच्छा लगा या खराब? देखिए इसमें ना बहुत बड़ा मतलब ये गिमिक्री है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अनाउंस तो कर दिया कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से 12.5% कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से 20% कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी आपने कोई स्टॉक खरीदा आज और एक साल के पहले बेच दिया तो आपके जो भी मुनाफा होगा उस पर शॉर्ट टर्म लगेगा। वो पहले 15% लगता था, जैसे मान लो 100 रुपए का मुनाफा हुआ तो 15 रुपए जो है भारत सरकार को आपको देने पड़ेंगे, तो अब वो 15 रुपए से बढ़ के 20 रुपए हो गया है। लॉन्ग टर्म यानी एक साल के बाद आपने यदि वो स्टॉक को बेचा तो पहले उस पर 10% लगता था, यानी 100 रुपए का मुनाफा हुआ तो 10 रुपए लगेगा, अब वो बढ़ के 12.5 रुपए हो गया है। और एक होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT, इसमें ये था कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो उसमें 0.06% था ऑप्शंस में प्रीमियम के वैल्यू पे, यानी जितने का भी ऑप्शन आप खरीदोगे, अब वो 0.06% बढ़ा के 0.1% कर दिया गया। पर इसमें गिमिक्री क्या थी, मैडम ने ये अनाउंस तो कर दिया पर ये सारे के सारे टैक्स जो हैं ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हैं, ये मैडम ने बताया नहीं, तो लोगों ने भड़ाभड़ बेचे स्टॉक्स अपने उठा के कि अरे बाप रे ये तो अब पूरा मार्केट गिरेगा। जैसी बजट की स्पीच बाहर आई तो उस पर लिखा था नीचे एकदम कहीं छोटे अक्षरों में कि ये सारे जो नए रूल्स है ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होंगे टैक्स के, तो इसीलिए मार्केट ऊपर बढ़ गया। ये आपको कोई दूसरा ये टीवी चैनल भी नहीं बताएगा ना, और यूट्यूब के भी चैनल को किसी को मालूम नहीं है, उसमें फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है कि आपका 1 अक्टूबर से जो है ये सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे। मुझे भी नहीं मालूम था, मेरे नीलेश शाह जी जो है म्यूचुअल फंड के CEO हैं बड़े म्यूचुअल फंड के, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये बड़ा इसलिए है क्योंकि 1 अक्टूबर से ये एप्लीकेबल है,
एक अक्टूबर से ये हो रहा है। तो देखिए मैंने जो शुरुआत जहां से की थी कि ये पश्चाताप का बजट है, पश्चाताप का बजट क्यों है मैं आपको वो भी बताता हूं। देखिए इस पहले इस सरकार ने लोगों को सटोरिया बनाया, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो, दिन रात गैम्बल करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन खेलो, फ्यूचर एंड ऑप्शन खेलो, ठीक है, और आपको लत लगाई। मैंने 2021 में लिखा था, September 6, 2021 में, कि सेंसेक्स ट्रेडिंग फ्रेंजी स्पॉन्स ऑप्शन वॉरियर्स, 3 साल पहले, और उसमें मैंने फिगर्स बताए थे कि कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो वॉल्यूम है ये 100-100 लाख करोड़ क्रॉस कर रहे हैं एक दिन में, 150 लाख करोड़ क्रॉस कर रहे हैं। उस टाइम में इंडिया का टोटल स्टॉक मार्केट का जो वैल्यूएशन था, मार्केट कैप था, वो भी 150 लाख करोड़ नहीं था। उसके बाद मैंने फिर लिखा 2023 में, October 26, 2023 में, कि अलर्ट डेरिवेटिव्स नाउ 99.6% ऑफ मार्केट वॉल्यूम, यानी आज जो स्टॉक मार्केट में जो भी पूरे दिन भर ट्रेडिंग होती है, खरीद फरोख्त होती है, उसका 99.6% सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन है, ठीक है, ये वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। तो मैंने लिखा था कि रोको इसको, नहीं तो ये डिजास्टर करेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो पहले तो इस सरकार ने लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन खेलने की आदत लगाया, नौजवान बच्चे जो है बर्बाद हुए। सेबी की रिपोर्ट है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस खाते हैं और एक ट्रेडर को 46,000 का नुकसान होता है एक साल में मिनिमम एवरेज, ठीक है। तो ये सब होने के बाद अब जाके सरकार जागी है और अब जाके सरकार बोल रही है कि ठीक है, हम फ्यूचर एंड ऑप्शन पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग के ऊपर में हम ये लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। तो ये फिर से पश्चाताप कर रहे हैं। तो ये जो कई पश्चाताप के लेयर है, जो पुराने गलतियां की हैं उसको सुधारने का ये लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। तो उसी अवसर में ये नया टैक्स लगाया गया है। और जो आपने पूछा कि मार्केट गिरा नहीं गिरने का कारण ये कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा, जिन लोगों को पता था उन्होंने खरीदा, भर भर के खरीदा उन लोगों ने। तो ये मैडम की गलती है, मैडम को पार्लियामेंट में बोलना चाहिए था कि ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा, नहीं कहा उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, इतनी विस्तार से आपने सारी चीजें समझाई, आभार आपका। तो ये थे राजीव रंजन जी, और ये जो बजट की बारीकियां हैं ये हमको समझा रहे थे। शेयर मार्केट में थोड़ा संभल के रहिएगा, देख कर रहिएगा, क्योंकि यहाँ काफी फिसलन भरे रस्ते हैं। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, अपनी राय बताइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।